Hi students, I am Dr. Prabhat and today we are going to learn about MTP. What is MTP? It's medical termination of pregnancy. So MTP is medical termination of pregnancy. Now the first thing, जो बच्चों के दिमाग में question आता है, what is the difference between MTP एंड abortion? Abortion और MTP में क्या फ़र्क है? सिंपल सा आंसर है, MTP इज नथिंग बट इट इज़ induced abortion. मतलब क्या हुआ? जो नॉर्मली हम abortion वर्ड यूज करते हैं वो नेचुरल होता है, किसी कारण से, किसी बीमारी से, या बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, या किसी और कारण से ये नेचुरली हो रहा है. इट्स नॉट इंड्यूस्ड, ठीक है. और ये आपने मेडिकली आपने इंड्यूस करा है इसको. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमटीपी एंड एबॉर्शन. नाउ व्हाट एनसीईआरटी सेइंग अबाउट एमटीपी, दैट पर ईयर 40 to 50 million एमटीपी इज़ बीइंग डन इन द वर्ल्ड, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी इन द वर्ल्ड. नाउ एनसीईआरटी सेइंग इस तरीके से एमटीपी पॉपुलेशन कंट्रोल का भी एक तरीका है, बट ऑफ कोर्स एनसीईआरटी इज राइटिंग दैट ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट मींट फॉर इट. है ना, एमटीपी का यूज हम इसलिए नहीं करते कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, बट ये तरीका है. चलिए देखते हैं डेटा को कि 45 to 50 million MTP performed per year, which is one fifth of the total thing. And the first time MTP Act came in India in 19... Very important. ठीक है, first time MTP Act came in India in 1971. After that many amendment has been done. In 2017 also one amendment has been done. क्या था वो सुधार, वो हम देखेंगे. Now what is this Act says? ये बताता है कि विच ऑल conditions. सो इट डिफाइन, इट इज डिफाइनिंग द conditions कि किस कंडीशन में आप MTP कर सकते हैं, कहाँ करा सकते हैं आप, कब करा सकते हैं, when it can be done, where it can be done, who can do this, है ना, who all are like, what qualification is required. ये सारी चीज़ें आपको MTP एक्ट ने डिफाइन किया. तो फर्स्ट है किस कंडीशन में आप MTP करा सकते हैं. इसके लिए हम याद रखते हैं एक निमोनिक सेट. सेट, व्हाट इज सेट? नाउ एस फॉर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या है सेट. आइए देखते हैं, एस फॉर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, है ना, फोर्थ पॉइंट में दिया. नाउ व्हाट इज दिस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन? नाउ द लेडी इज सेइंग दैट माय फैमिली इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी. सो दिस इज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. ई इज यूजेनिक, है ना, मीन्स द चाइल्ड हैव सम सीरियस इलनेस, है ना. इफ़ यू विल नॉट टर्मिनेट द प्रेगनेंसी आफ्टर द पार्चुरेशन, मिस आफ्टर द डिलीवरी, मिस वंस द चाइल्ड विल कम आउट ऑफ द यूट्रस, द चाइल्ड विल हैव मिजरेबल लाइफ, है ना, वो अच्छे से जी नहीं पाएगा. तो उस केस में देन टी इज थेरोपेटिक. यहाँ पे इसने मेडिकल वर्ड इसके लिए यूज किया है. व्हाट इज नाउ थेरोपेटिक? थेरोपेटिक मीन्स नाउ द मदर हैव सम सीरियस इलनेस. इतना सीरियस इलनेस है कि यदि आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करोगे तो मदर का जान को खतरा है. मदर, यू माइट लूज द मदर. सो उस केस में अगेन दिस MTP इज रिक्वायर्ड. एच इज ह्यूमैनिटेरियन, है ना, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है ह्यूमैनिटेरियन. सो व्हाट इज ह्यूमैनिटेरियन? सम ह्यूमन रीजन से लाइक रेप के कारण हुआ है. एंड वन मोर इज दैट इज फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइस. सो सेट इज द निमोनिक टू रिमेंबर द ग्राउंड ऑफ MTP. नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट व्हेन इट कैन बी डन. देखो ध्यान से सुनना, टिल ट्वेल्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी ओपिनियन ऑफ ओनली वन डॉक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर MTP. सिर्फ एक डॉक्टर भी कर सकता है. बट यदि 12 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, हाँ, एंड टिल 24 वीक, ध्यान से सुना, ये 24 2017 में ऐड हुआ, 2017 से पहले इट वाज 20, सिर्फ 20 था. सो टिल 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इस ड्यूरेशन में नाउ यू नीड ओपिनियन ऑफ टू और मोर देन टू डॉक्टर, है ना. तो यदि आप
एमटीपी कराना चाहते हैं और प्रेगनेंसी 14 वीक की है मान लीजिए, तो आपको दो डॉक्टर्स के कंसेंट लेने होंगे, मतलब दो डॉक्टर ओपिनियन देना चाहिए कि हाँ करा सकते हो, सेफ़ है एंड वगैरह वगैरह। वेयर इट कैन बी डन, एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल कैन ऑल्सो डू इट, बट वी हैव सम कंडीशन, इट शुड बी गवर्नमेंट अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी हॉस्पिटल खोला और एमटीपी स्टार्ट कर दिया, नहीं, इट शुड बी गवर्नमेंट अप्रूव्ड। बाई होम नाउ इट विल नॉट बी आस्ड फॉर आपके लिए, बट जान सकते हो एमबीबीएस यदि सिर्फ कर रखा है तो द पर्सन शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 25 एमटीपी इन सम गवर्नमेंट सेटअप और सम दिस गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेटअप, या फिर वो एमबीबीएस के बाद उसके पास एमडी ऑप्स गायनी की डिग्री हो, या तो उसने डिप्लोमा कर रखा हो गायनी में, है ना। तो ये नहीं पूछेंगे आपसे, आप इन दो पॉइंट पे ध्यान दो, व्हेन इट कैन बी डन, वेयर इट कैन बी डन। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट एनसीईआरटी सेइंग, दैट द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द अवेयरनेस, लोगों को उतना पता नहीं है, द लेडीज और द फीमेल और द मदर दे आर अप्रोचिंग द क्वैक्स, क्वैक्स के पास जा रहे हैं फॉर दिस एमटीपी, एंड वहाँ क्वैक्स के पास जा रहे हैं, उनके पास क्वैक्स यू नो ना झोला छाप डॉक्टर जिसको हम लेमे लैंग्वेज में बोलते हैं, मीन्स नॉट फुल्ली क्वालिफाइड। नाउ दे डोंट हैव द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, गुड इंफ्रा इज ऑल्सो नॉट देयर विद देम। और यदि ये लोग एमटीपी कर रहे हैं तो जनरली क्या हो रहा है, मदर को हम लूज कर रहे हैं, सो द मदर्स और वी कैन डायरेक्टली राइट दैट इट्स अ कॉज ऑफ, इट लीड्स टू डेथ ऑफ मदर, डेथ ऑफ मदर, है ना। एक तो ये प्रॉब्लम है कि भैया क्वैक के पास लोग जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पूरा नॉलेज नहीं है किससे कराना है, कहाँ कराना है वगैरह वगैरह। दूसरा प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि इसका निगेटिव यूज भी हो रहा है, क्या निगेटिव यूज है, बाई एमनियोसेंट, वट इज एमनियोसेंटेसिस, ये हमने लास्ट लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर का उसमें देखा है। एमनियोसेंटेसिस से पता कर लिया कि अच्छा नाउ फीमेल इज देयर, है ना, अंदर जो है वो फीमेल बेबी ग्रो कर रही है, नाउ पीपल आर डूइंग फीमेल फिटिसाइड, और फिर उन्होंने एमटीपी करा लिया, है ना। सो ऑफ कोर्स नाउ ग्रेजुअली द पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर दैट नाउ मेल एंड फीमेल दे आर इक्वल, एंड ये फीमेल फिटिसाइड्स इज गोइंग डाउन इन आवर कंट्री, बट स्टिल इट्स देयर, इलीगल ऑफकोर्स इलीगल एंड अनइथिकल ऑल्सो। सो दिस 2-3 पॉइंट्स एनसीईआरटी सेइंग कि एमनियोसेंटेसिस से फीमेल फिटिसाइड करके इसका मिसयूज कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, या फिर बोल रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स कम है, तो क्वैक के पास लोग जा रहे हैं, इसके कारण मदर का जान जा रहा है। आइए देखते हैं इन चीज़ों को एनसीईआरटी ने कैसा लिखा है। दिस इज द अमेंडमेंट ऑफ 2017 विच सेज दैट अप टू 12 वीक ओनली वन, एंड फ्रॉम 12 टू 24 यू नीड नाउ टू आरएमपी का रजिस्टर, यानी डॉक्टर का परमिशन, एंड देन द कंडीशंस ऑलरेडी वी हैव सीन, या तो मदर को खतरा है या फिर बच्चा जो जन्म लेने वाला है वो अच्छा नहीं होगा, वो हैंडीकैप होगा, है ना, ऑलरेडी वी हैव सीन दिस थिंग्स। मिसयूज एंड फर्दर वेज, हम ऑलरेडी मिसयूज की बात हमने कर ली, क्वैक्स के थ्रू एमटीपी करा के मदर का जान को खतरा है। दूसरा मिसयूज आपने बताया फीमेल फिटिसाइड। व्हाट इज द फर्दर वे एनसीईआरटी सेइंग दैट यू हैव टू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव टू spread the awareness to the people, awareness to the people. Then NCRT is saying that of course doctors के numbers बढ़ाइए आप, हाँ, then आप contraception के बारे में लोगों को बताइए कि यदि आप contraception use करेंगे तो MTP की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। So ये सारी बातें NCRT is writing that illegally unqualified quack misuse by determining the sex, it can be avoided because it is danger for both. So how it can be avoided, avoid the unprotected coitus, मतलब आप contraception use करो, then आप health care facility ज़्यादा से ज़्यादा provide करो, ठीक है जी। Dear friend, this much was important for you at NEET UG level. Now what is the method of MTP, first trimester में कैसे करते हैं, second में कैसे करते हैं, and these all things are not in syllabus for UG, it's in the syllabus for PG. So we will be completing this topic of MTP here only. This STD, RTI or STI or VI topic will be done in the next video. Friends, I hope you must have liked this video. So please go to the channel, subscribe it, like it, share it with your friends, comment how you have liked this video, how much and what all improvement you need. Thanks, keep working.